सेंसिटिव नहीं है. आई थिंक दिस इज़ वॉट एवरीबडी डज. आई थिंक हर कोई जजमेंटल होता है. आई हैव बीन जजमेंटल अबाउट सो मेनी थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल. And like Akash said, it's a very day-to-day thing that everyone faces, but no one really cares about thinking twice about. So it's just a message that he's like reminding people that think once before you judge somebody. Like I said, ki bahut log alag alag walks se aate hai life mein, un pe kya beeta hai, wo kahan se aaye hai. Everyone has a journey, aur hum sirf unko 2 minute ke liye dekh ke wo puri journey judge kar lete hain bina jaane ki wo journey kya hai. Hum unko puri tarah se judge kar lete hain. Main ye bhi manti hu ki har insaan mein ek positive aur negative hota hai, har insaan mein. And I think if you are positive towards somebody, you will only bring out the positive side. तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं किसी नए इंसान को मिलती हूँ, अगर मैं देखती भी हूँ कि उनमें शायद गुस्सा है या इनसिक्योरिटी है या कुछ है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो भूल जाओ, अच्छी चीज़ें निकालो उस इंसान का, तो शायद इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस नो ईच अदर बेटर. कभी आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि कोई इंसान को मिसजज किया हो? एक्चुअली मैं इतनी जल्दी एक्चुअली जज नहीं करती हूँ. मैं अभी मैं टुडे इन द डे somebody asked me कंटेस्टेंट के बारे में जिसके साथ मैं काम कर रही थी. दे वर लाइक, आप जब पहली बार उनसे मिले तो आपने क्या सोचा? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा. दे वर लाइक, आपका क्या इंप्रेशन था? मैंने कहा कोई इंप्रेशन नहीं था. अभी एक दिन बाद मुझ पर इम्प्रेशन पड़ा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ लाइक दिस एंड ही इज़ लाइक दैट. बट ऑनेस्टली जब मैं उस रूम में मैंने एंटर किया, मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने सोचा पहले काम करो, फिर पता चलेगा कि इंसान कैसा है. तो लोग थिएटर में जब बैठे थे और स्पम्प डोनर की बात आई, सब शॉक्ड हो गए थे. कौन शॉक हो गया था? आप शॉक हो गए थे? रिएक्शन क्या था जब आपके कान में इस तरीके की बात आई? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके का कैसा रिएक्शन रहा? हिंदुस्तान में ये चीज़ें होती है. इट्स नॉट कि नहीं होती है, होती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग शॉक थे, और अगर थे देन आई थिंक लोगों को जजमेंटल होना कम होना होगा. बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स. लोग give it for various reasons. Some people want to help other people make a family. बहुत लोग पैसों के लिए करते हैं, and that is none of our business. ये होता है. And what Akash was trying to say through this film is this, कि तुम एक इंसान को ऐसे कैसे जज कर सकते हो इस बेसिस पे कि what he is doing, why he is doing it, nobody knows. You're only looking at what he is doing.